हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ़ फोकस हाइव टुडे वी विल एक्सप्लोर गूगल डॉक्स मुझे लगा लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं गूगल डॉक्स के ऊपर तो आई थॉट क्यों ना हम गूगल डॉक्स के बारे में थोड़ा और जानें ट्रांजेक्शनिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड गूगल डॉक्स वज एक्साइटिंग मजा आया था उसको सीखने में और uh, कुछ ऐसी छोटी मोटी यूनिक सी चीज़ें हैं जो शायद आपको भी देखकर मजा आए तो स्टार्ट करते हैं गूगल डॉक्स को और साथ में एक्सप्लोर करते हैं देखते हैं शायद हम कुछ नया सीख लें लेट्स गो तो पहला स्टेप ये है हमारे लिए कि लेट्स ट्राई एंड सी कि उसको एक्सेस कैसे करेंगे उसको मतलब गूगल टॉक्स को एक्सेस कैसे करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलेंगे ब्राउज़र या आपके पास गूगल क्रोम होगा फायरफॉक्स होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा माइक्रोसॉफ़्ट एज होगा डक डक गो होगा कौन सा भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं आप ब्राउज़र को खोलने के बाद अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको गूगल क्रोम ने लॉगिन करवाया होगा अगर आपने लॉगिन करके नहीं रखा है तो आपको यू आर से एक्सेस करना पड़ेगा अगर यू अगर आपने लॉग इन करके रखा हुआ है गूगल क्रोम में सो आप जैसे ही गूगल खोलोगे आपको ये ऑप्शंस दिखते हैं जी मेल इमेज एप्लीकेशन्स लाइक गूगल एप्स एंड देन आपका अपना प्रोफाइल सो so पहला स्टेप होगा गूगल ऐप्स में क्लिक करने का राइट हियर ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर गूगल ऐप्स पे क्लिक करोगे आप तो सारे ऐप्स गूगल के जितने भी ऐप्स हैं ना जिनका नाम भी नहीं सुना है वो भी दिखेंगे आपको यहाँ पे. तो एक्सप्लोर कर सकते हो और खाली टाइम पे. लेकिन ये एक तरीका है इसमें आप जाके गूगल ड्राइव पे क्लिक कर सकते हो और उसके बाद आप अंदर जाके आप अपना फाइल बना सकते हो या फिर आप स्ट्रेट अवे गूगल डॉक्स के ऊपर भी क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो ये तो रहा एक तरीका गूगल डॉक्स या गूगल ड्राइव पे जाने का दूसरा तरीका है आपने ब्राउज़र खोला और आप गए यहाँ पे और आपने टाइप कर दिया ड्राइव डॉट गूगल डॉट का कॉम एंड आपने मारा एंटर सो so, गूगल ड्राइव खुल जाएगा एंड देन अगर आपने लॉग इन करके नहीं रखा है तो इट व आस्क यू फॉर लॉग इन राइट सो ये मैं आ गया गूगल ड्राइव के ऊपर राइट गूगल ड्राइव पर आने के बाद यहाँ से आप गूगल डॉक्स पे कैसे जाओगे अगेन सेम थिंग आपको यहाँ पर वो गूगल एप्स दिखेंगे यू कैन क्लिक ऑन देट और डॉक्स के ऊपर जा सकते हो बट uh, मैं रेयरली ये ऑप्शन यूज़ करता हूँ तो आ, आप यहाँ नए पे क्लिक करो न्यू ये प्लस साइन जो है और आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सारे ऑप्शन देखेंगे फिर यहाँ पे आप फोल्डर बनाना चाहते हो फाइल बनाना फ़ाइल अपलोड करना चाहते हो फोल्डर अपलोड करना चाहते हो या कि आपने गूगल डॉक्स बनाना है शीट बनाना है प्रेजेंटेशन बनाना है या कि कोई फॉर्म बनाना है इसमें और भी बड़े सारे ऑप्शंस हैं जो भी एप्स आपने अपने गूगल अकाउंट के साथ कन्फिगर करके रखा हुआ है वो सारा दिखेगा यहाँ पे आपको राइट right? यहाँ तो अभी सारे गूगल के ऐप्स दिख रहे हैं मोर uh, के अंदर गूगल ड्राइंग्स माई एप्स शाइट्स स्क्रिप्ट जैम बोर्ड सो हम लोग अभी उधर नहीं जाएंगे वी विल ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन गूगल डॉक्स तो ये एक तरीका है गूगल डॉक्स में जाने का यू कैन ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट या फिर आप टेम्पलेट से बना सकते हो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है आप जब नया में क्लिक करते हो न्यू फिर आपको ऑप्शन देते हैं ना टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो या फिर आप नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना सकते हो सिमिलर लाइन पर यहाँ पर भी आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाने का ऑप्शन है गूगल टॉक्स के अंदर जा कर के ब्लैंक डॉक्यूमेंट ठीक है ये लो मेरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल गया है यहाँ पे अब पहली चीज़ें हैं कुछ एक्सप्लोर कर लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे राइट so पहले तो इसको बड़ा कर लिया जाए ना यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट का नाम तो so, आपको क्लिक सेव एज या सेव करके फाइल नाम नेम डालने की ज़रूरत नहीं है आप यहां सीधा क्लिक करो माई माई फर्स्ट डॉक और माई फर्स्ट जी डॉक ठीक है अगर आप ये स्टार में क्लिक करोगे तो ये आपके गूगल ड्राइव के अंदर स्टार हो जाएगा मतलब तो इंपॉर्टेंट फाइल है ठीक है जी ये मूव का बटन है अगर आप किसी लोकेशन पे बैठे हो लोकेशन जोग्राफिकल लोकेशन नहीं गूगल ड्राइव के अंदर आप किसी फोल्डर के अंदर थे और वहाँ पे आपने क्रिएट किया है बट बाद में आपने रियलाइज़ किया कि आपको यहाँ नहीं रखना है इसको किसी दूसरे फोल्डर में डालना है तो आप मूव में क्लिक करके यहाँ तो प्रॉब्लम में बता दिया बट बत आप मूव में क्लिक करके उसको उधर मूव कर सकते हो आपके पास मूव का ऑप्शन फाइल के अंदर भी आता है ठीक है वो हम देखेंगे फिर से एक बार डॉक बन जाए देन वी विल ट्राई एंड मूव द फाइल नाउ सेम लाइन पे आप अगर राइट हैंड साइड पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक ओपन कमेंट हिस्ट्री दिखता है यहाँ पे आपको जॉइन अ कॉल हियर और प्रेजेंट दिस टैब टू द कॉल दिख रहा है मतलब अगर आपने गूगल मीट भी यूज़ करते हो तो आप गूगल मीट जॉइन करके मीटिंग के अंदर आप अपने डॉक को प्रेजेंट कर सकते हो दिखा सकते हो बता सकते हो लोगों को इम्पॉर्टेंट है ये बटन ब्लू वाला ये इसके ऊपर आप देखो एक ताला बना है और यहाँ लिखा है प्राइवेट टू ओनली मी मतलब अभी ये फाइल जो है ये सिर्फ मैं देख सकता हूँ और आप देख सकते हो क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है या कोई मेरे पीछे खड़ा हो तो देख सकता है बट कोई अपने गूगल ड्राइव पे लॉग इन करके मेरे फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये अभी किसी के साथ शेयर्ड नहीं है राइट right? तो वही है अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ शेयर पे तो बाय डिफॉल्ट मैं ओनर हूँ मुझे ये शेयर हुआ हुआ है बट मैं इसको फिर जा कर के एक्सेस दूसरे लोगों को दे सकता हूँ जब मैं दूसरे लोगों को देता हूँ तो मैं एक ग्रुप को भी दे सकता हूँ और मैं इंडिविजुअल लोगों को भी दे सकता हूँ राइट right, जी सो so, ये मैं एनी वन विथ लिंक या रिस्ट्रिक्टेड ठीक है तो आई वुड गो बैक एंड एनी वन विध लिंक कमान एंड यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन हैं यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं या तो आप किसी को एडिटर बना सकते हो मतलब कि वो आपके जैसे आ करके वहाँ पर एडिट कर सकता है लिख सकता है डिलीट कर सकता है अपडेट कर सकता है दूसरा ऑप्शन है कॉमेंटर का मतलब कि उसको कॉमेंट का एक्सेस है किसी भी वर्ड को सेंटेंस को हाईलाइट करके वहाँ पे वो अपने कमेंट डाल सकता है और आप एज अ ओनर आपको वो दिखेगा और आपको ईमेल अलर्ट भी आता है कि आपके डॉक्यूमेंट पे किसी ने कमेंट मारा है तो फिर आप वो जा करके रिप्लाई कर सकते हो एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑप्शन इन गूगल टॉक बिकॉज वो आपको ना कोलैबोरेट करने के लिए इनेबल करता है बिकॉज आप रियल टाइम कोलाबरेट कर सकते हो अपने कॉलिग्स के साथ अपने सीनियर्स के साथ अपने एम्प्लॉज़ uh, के साथ ही या फिर uh, अपने ग्रुप ऑफ़ फ्रेंड्स के साथ आप कुछ भी बना रहे हो गूगल डॉक्स के ऊपर कुछ भी लिख रहे हो आप आप रियल टाइम कोलेबरेट कर सकते हो वाया आर कॉमेंट्स सो दैट्स अ स्मार्ट वे टू कोलेबरेट एंड ऑल्सो यू कैन टैग पीपल आप लोगों को उनके ई मेल एड्रेस से टैग कर सकते हो वो भी देखेंगे हम टैग कर सकते हो और फिर उनको अलर्ट जाएगा लेट्स से अगर मैंने ये डॉक्यूमेंट अभी ब्लैंक रखा यहाँ लिखा ऐट द रेट रवि वर्मा आप इसको प्लीज़ अपडेट करो तो मुझे अलर्ट आएगा फिर मैं उसको अपडेट करूँगा राइट तो सीधा डॉक्स के अंदर से ही आप लोगों को काम दे सकते हो मज़ेदार चीज़ है ये so सो वो हो गया कमेंटर राइट आप कमेंट कर रहे हो थर्ड है व्यूअर जो कि रीड ओनली एक्सेस है मतलब ये है कि आपने किसी को अगर व्यूअर ऑप्शन दे दिया है तो वो फाइल खोल सकता है उसको पढ़ सकता है बट उसमें कमेंट नहीं कर सकता है और उसमें आपको एडिट भी नहीं कर सकता है तो दैट्स हाउ यू कैन शेयर योर गूगल डॉक नाउ अभी यहाँ पे जो लिखा है एनी वन विद द लिंक राइट तो अगर अभी मैंने इसको व्यूअर छोड़ दिया तो पूरी दुनिया में किसी को भी ये लिंक मिल जाएगा तो इसको खोल सकता है ठीक है तो ये हुआ शेयरिंग के लिए अब यहाँ पे यू आर एल करने का भी ऑप्शन है गूगल ने ईजी कर रखा है आपको कॉपी ये यह यहाँ पे आगे कॉपी नहीं करना यहाँ जस्ट क्लिक कर दो कॉपी हो गया यहाँ जाओ और सॉरी मैं से आगे बढ़ के देखता हूँ यार कीबोर्ड थोड़ा आगे है तो यहाँ पे आप डाल दो एंटर मार दो ये आपका फर्स्ट स्टॉक खुल गया है यहाँ पर ठीक है एक यूनिक चीज़ है गूगल डॉक का वो एक बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन है बताऊंगा मैं ओके सो फर्स्ट लाइन हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे क्या क्या है और ऑब्वियसली आपका आईकॉन है आपका प्रोफाइल है आप लॉगिन कर लो लॉगआउट कर लो प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लो वैसे अगर पढ़ते हो तो जस्ट आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया हुआ है तो उसमें जैसे ऑप्शंस होते थे मेन्यू में फ़ाइल एडिट व्यू इंसर्ट फॉर्मेट टूल्स यहाँ भी वही है कुछ डिफरेंस नहीं है ठीक है ना थोड़ी चीज़ें आपको लगेगा लिमिटेड है वाइल यू आर यूजिंग इट आपको ऐसा लगेगा कि यार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़े सारे ऑप्शन थे यहाँ पर थोड़े कम हो गए हैं थोड़ा हैंडी कैप्ट हैं। जैसा फील आ रहा है बट इसके पास जो ऑप्शन हैं वो उसको वंस यू गेट यूज टू इट राइट आपको एक बार यूज टू हो जाओगे तो आपको लगेगा गूगल डॉक्स ज़्यादा अच्छा है माइक्रोसॉफ्ट uh, वर्ड से बिकॉज यहाँ पे कोलाब्रेशन के लिए ही बना है ये इसमें आप अमेजिंग तरीके से कोलाबरेट कर सकते हो राइट सर जो शेयर ऑप्शन यहाँ दिखा रहा था वही शेयर ऑप्शन यहाँ पे है लाइक न्यू ओपन मेक अ कॉपी तो बताने की जरूरत ही नहीं है ई करना है तो भेज दो यहाँ से जिसको भी भेजना है ई मेल एड्रेस है तुम्हारे पास ई करके भेज दो सी इसमें करा ई फाइल किया ये पूछ रहा है किसको भेजना है और ये फिर जी के थ्रू भेज देगा रीनेम कर लो मूव बताया था मैंने शॉर्टकट ऐड करना है डेस्कटॉप के ऊपर ड्राइव के ऊपर तो यहाँ डेस्कटॉप तो होता नहीं है भैया ड्राइव जो है आपका वही है तो आपने वहाँ डाल देना है रिसाइकिल बिन तो सबको पता है विंडोज सब ने यूज़ किया हुआ है रिसाइकिल बिन वहाँ पे होता है तो आप जैसे डिलीट करते हो तो रीसाइकिल बिन में जाता है गूगल ने नया वर्ड यूज़ कर लिया ट्रैश बोल दिया तो आपने डिलीट करोगे तो ट्रैश में चला जाएगा ठीक है तो इंट्रोडक्शन में मैंने बोला था कि कुछ यूनिक चीज़ें हैं गूगल डॉक्स के बारे में जो हम लोग आज जानेंगे तो वो यूनिक चीज उन यूनिक चीज़ों में एक यूनिक चीज़ होता है वर्जन हिस्ट्री वर्जन हिस्ट्री बहुत मज़ेदार चीज़ है तो तुमने डॉक्यूमेंट बनाया 2000 लोगों के साथ शेयर कर दिया एक हफ्ते के बाद आके डॉक्यूमेंट देख रहे हो डॉक्यूमेंट तुम्हारा पूरा का पूरा चेंज हो चुका है तुम्हें तो पता ही नहीं कि इसको किया किसने राइट तो वो पता चल जाएगा गूगल डॉक्स अगर यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें एक एक एंट्री किसने डाला है वो तुम्हें दिख जाएगा अब वो कैसे दिखता है ओके okay, सो so आप फाइल पे जाओगे वर्जन हिस्ट्री पे जाओगे सी वर्जन हिस्ट्री पे क्लिक कर दोगे और यहाँ ड्रॉप डाउन पे आपने नेम्ड वर्जन ऑल वर्जन रखो यहाँ सो तो अगर आप वर्जन बना रहे हो कॉन्शियसली तो आप बहुत स्मार्ट हो और आपने सारे वर्जन का नाम रखा हुआ है अगर आप अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तो आप वर्जन नहीं बनाओगे आपको ऑल वर्जनस पर जाना पड़ेगा ऑल वर्जन पर जाओगे तो आपको यहाँ पर लंबा सा लिस्ट दिखेगा डेट वाइज टाइम वाइज डेट एंड टाइम के साथ और किस यूज़र ने एंट्री मारी है तो अभी तो इसमें कुछ लिखा ही नहीं है मैंने तो जैसे ये है ना यहाँ पे दिख रहा है रवि वर्मा वैसे ही दिखेगा यूज़र का नाम डेट एंड टाइम आप जब उस पर क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन वो उसने क्या एडिट किया है वो दिखेगा यहाँ पे सी एक सेकेंड में राइट चलो यहाँ कुछ टाइप कर देते हैं जीपीडी से टाइप करवाए चलो लेट्स सी जीपीडी भैया आ जाओ लॉन्च द साइड सिंपल था लिखवाया मैंने जी पी टी से ठीक है बंद कर दो इसे तो जी पी डी ने लिख दिया अब इतना सारा टेक्स्ट क्या लिखा है मुझे उससे कोई लेन देना नहीं है अभी के लिए मुझे बस ये देखना था कि लिखता है तो फिर इस टेक्स्ट के साथ हम खेलेंगे ठीक है नाउ अब इसने लिख तो दिया यहाँ पर अब आपने देखना है कि किसने लिखा चलो वर्जन हिस्ट्री पर जाते हैं और क्या वर्जन हिस्ट्री पर जाएंगे और देखेंगे सी वर्जन हिस्ट्री ये देखो टेन फोर्टी सेवन पे कुछ भी नहीं था टेन फिफ्टी एट पर जहान भर के आइटम्स लिख दिए यहाँ पे किसने लिखे ये भाई साहब ने लिखे हैं ठीक है थीके? आएंगे एक दो बार और आएंगे अगर आपने ये नहीं यूज़ करना आपने ये यूज़ करना राइट तो आप यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करोगे रिस्टोर कर दोगे चले जाएगा जो भी था वहाँ पर चलो करके देखते हैं ठीक है रिस्टोर दिस वर्जन तो अगर रिस्टोर दिस वर्जन करेंगे तो बोलेगा डॉक्यूमेंट आपका रिवर्ट हो जाएगा जो हाँ करो वही तो कर रहे हैं हम बार बार क्यों पूछ रहे हो गए हो आपका डॉक्यूमेंट 10:47 फोटी एम पे जैसा था वैसा बन गया अब देखें क्या हुआ हमारे वर्जन हिस्ट्री में एक बार फिर से तहल का यहाँ ये दिख रहा है कि रवि वर्मा ने रिस्टोर किया था इस टाइम पे 10:59 पे रवि वर्मा ने 10:47 वाला वर्जन से रिस्टोर मारा था ठीक है हमको नहीं चाहिए हमने इतना मेहनत से लिखा है वो पूरा पैराग्राफ चलो हमें वही चाहिए रिस्टोर दिस वर्जन आ गया सो अब इस डॉक्यूमेंट पे ये वर्जन आ चुका है ठीक है अब आपको मैंने बोला था कि कमेंटिंग इज ग्रेट राइट तो अगर मैंने ये बोला कि राइट क्लिक कर लो कमेंट पे चले जाओ ये मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे आप किसी को भी टैग कर सकते हो जिसके साथ ये ड्राइव शेयर है या फिर जब आप लिखोगे तो शेयर हो जाएगा तो ये सारे मेरे कॉन्टैक्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे गुस्सा करेंगे वो लोग मेरे ऊपर उनका नाम दिखा रहा हूँ यहाँ में बट चलो मैंने अनुराग बाबू के साथ ये शेयर किया चेक दिस एंड मेक एडिट्स एज नीडेड और ये मैं असाइन भी कर सकता हूँ मतलब वर्चुअली बोल रहा हूँ कि तूने करना ये चलो नहीं करते कमेंट कर दिया तो चले जाएगा उसको ईमेल वो बेचारा कहीं बैठा हुआ उसको लेकर मैंने क्या ही काम दे दिया उसे ठीक है तो कैंसिल कर देते हैं कमेंट नहीं करेंगे बट दिस इज हाउ यू कमेंट राइट और uh, मैंने अपने आप को देना है ठीक है जी एट द रेट रवि लुक इं टू दीक है और मैं अपने और मैं जिसको भी दे रहा हूँ ना आई कैन असाइन इट टू दैट पर्सन तो उसको असाइन भी कर दिया लोग और अब ओके ठीक है सो वो री असाइन करके ना वो ई मेल आ जाता है अगर मैं इसको बोलता हूँ कि हाँ इसने कर दिया और मैंने ये टिक मार्क में क्लिक कर दिया तो वो रिजॉल्व हो गया कॉमेंट ठीक है तो इस तरह से आप कोलेबरेट कर लेते हो रियल टाइम पे। अब हम कुछ यूनिक चीज़ें और देख लेते हैं ठीक है आपने कॉपी पेस्ट किया होगा काफ़ी सारा टेक्स्ट कहीं कहीं से तो आप जब कॉपी पेस्ट करते हो तो उसके साथ उसका फॉर्मेट भी आ जाता है ठीक है ना मैंने फॉर्मेट तो बोल दिया है फॉर्मेट क्या होता है तो आप अपने वर्ड को कुछ भी कर लो लाइक बोल्ड इटैलिक जैसा करना वैसे डिज़ाइन कर लो राइट ये तो सबको पता ही है तो इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँगा लेकिन फॉर्मेट के अंदर ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना क्लियर फॉर्मेटिंग फॉर मी दिस वॉज अ इम्पॉर्टेंट वन क्योंकि क्या होता है कभी आप स्लैक पे किसी के साथ चैट कर रहे हो या ई मेल पर कुछ कम्युनिकेट किया है या किसी वेबसाइट पर कुछ अच्छा लगा आपको जिसको आपको टेक्स्ट रखना है तो आपने कॉपी करके पेस्ट कर लिया अब होता है क्या है आपने कॉपी कहीं से किया और पेस्ट किया तो उसका फॉर्मेट उसके साथ आता है ठीक है तो वो फॉर्मेट को आपने निकालना है और आपके डॉक्यूमेंट में जैसा फॉर्मेट है वैसा रखना है तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग इज परफेक्ट थिंग फॉर दैट नाउ लेट्स से ये वाला ठीक है ये कॉपी करते आ देखते हैं क्या आता है देखो ये उसके फॉर्मेट के साथ आ गया राइट अभी इसके साथ करने के लिए एक एक करके करूँगा मैं तो आई हैव टाइम इट विल टेक टाइम तो हाईलाइट कर लो और ये देखो शॉर्टकट यहाँ दिया हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग का या फिर आप फॉर्मेट में जाकर क्लियर फॉर्मेट कर सकते हो मैंने ये दबा देना है गए हो सारा फॉर्मेटिंग क्लीन हो गया नॉर्मल टेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट पे आ गया अब आप इसके साथ अब अपने फॉर्मेट्स डाल सकते हो तो ये एक स्मार्ट ऑप्शन uh, है क्लियर फॉर्मेटिंग का विच हेल्प्स लॉट नाओ अनदर थिंग आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे आप टेक्सट को फॉर्मेट करते हो राइट तो जैसे मैंने इसको बोला कि ये मेरा टाइटल है ये मेरा टाइटल है ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये आउटलाइन बनता जा रहा है अपने आप ही ये मेरा हेडिंग है बिल्कुल टाइटल के अंदर हेडिंग इसके अंदर मैंने ये बोल दिया ये मेरा हेडिंग टू है इसके नीचे ये आ गया इसके नीचे मैंने इसको बोल दे रहा हूँ कि ये मेरा हेडिंग थ्री है ये पूरा एक ही स्टेटमेंट है ना कंट्रोल दैड तो ये हाईराइर की बनता जा रहा है और ये यहाँ पे आपको दिखता रहेगा जितना भी बड़ा डॉक्यूमेंट बनाओगे आप उस पर क्लिक करो आप वहाँ पहुँच जाओगे ठीक है सो ये आउटलाइन आपका बनता जाता है आपने डालना है टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स वर्ड में भी होता है रेफरेंसेस के अंदर जाकर के आप कर सकते हो यहाँ पे भी आप कर सकते हो आपने टेबल ऑफ कॉन्टेंट डालना है जो यहाँ पे है वही यहाँ पे आ जाएगा ठीक है तो ये आपका टेबल ऑफ कॉन्टेंट आ गया और आप जैसे जैसे इसको बनाते जाओगे यू कैन कम इन सो अगर मैंने यहां गया और इसको मैंने नॉर्मल टेक्स्ट कर दिया तो कम ये रिफ्रेश का ऑप्शन आ गया आपने रिफ्रेश कर देना है ये अपडेट हो गया तो so इस तरह से आप अपने टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स को भी एंटर uh, कर सकते हो गूगल डॉक्स के ऊपर वेडी ईजी टू काइंड ऑफ मेक इट ठीक है जी ना एक और चीज़ होती है ये तो डिलीट कर देते हैं एक और चीज़ होती है इंसर्ट में आपने देखा होगा बुकमार्क बुकमार्क राइट तो बुकमार्क का मतलब क्या है ये तो बाई डिफ़ॉल्ट बुक मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पे देखो ये ये डिफ़ॉल्ट बुक मार्क्स हैं ठीक है लेकिन आपने कुछ प्लेस होल्डर डाला है आपने बोला यहाँ पे मुझे एक बुक मार्क चाहिए आप इंसर्ट करोगे बुक मार्क में क्लिक करोगे और या फिर आपने उसको लगा दिया वी लुक एक बुक मार्क हो गया आपका अब आपने बोलना है कि गुड वाइब्स ओनली जो है ना यहाँ पे आप हाइपरलिंक लगा रहे हो हाइपरलिंक आप कहाँ का लगा सकते हो किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट का किसी भी यूआरएल का या फिर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी बुक मार्क्स हैं तो चलो लिंक बनाते हैं यहाँ पर लिंक का ऑप्शन है यहाँ पे ये वाला या फिर इंसर्ट से भी आप लिंक डाल सकते हो खाँ गया खाँ गया खाँ गया खाँग गया ये रहा लिंक चलो लिंक डाल दें ठीक है जी ना यहाँ पे आप अब आप यहाँ आ गए इसमें आपने यू डाल देना है आप चूज़ कर लो आपने यू आर एल्स यहाँ पर जो है या फिर आपने क्लिक करना है हेडिंग्स एंड बुकमार्क्स में आपके डॉक्यूमेंट के जो भी हेडिंग्स है वो दिख रहा है यहाँ पे और आपको आपका बुकमार्क भी दिख रहा है तो आपने क्लिक कर लेना है आपका बुकमार्क मार्क यहाँ पर आ गया अब आप जब भी क्लिक करोगे तो ये बुक मार्क पर लेके जाएगा चलो बुक मार्क पर आ गए तो ये थोड़ी सी आ, क्यूट चीज़ें हैं जो हम लोग गूगल डॉक पे कर सकते हैं ना जी पी टी इंस्टॉल कर सकते हो या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एप्स इंस्टॉल कर सकते हो आप अगर आप गेट एड ऑन पे जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपने जो चाहिए उसका ऐप ढूंढो और इंस्टॉल करो और टेस्ट करो मैंने तो अब तक सारे फ्री वर्जन के एड्स यूज़ किए हैं मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं उससे आई हैव मोर वीडियो जहाँ पे आई विल बी शोइंग सर्टेन यूनिक एप्स विच आई आई यूज टू सॉल्व माय प्रॉब्लम्स राइट नाउ देर आर टू इम्पॉर्टेंट ऑप्शन दैट आई वॉन्ट टू शो यू दैट इज़ नंबर वन इज़ ट्रांसलेट द डॉक्यूमेंट एंड देन वॉइस टाइपिंग तो ट्रांसलेट द डॉक्यूमेंट पिछले वीडियो में आपने देखा होगा गूगल सॉरी चैट जी से हमने अलग अलग लैंग्वेज में पैराग्राफ लिखवाया था तो so, अगर हमने इंग्लिश में लिखा हुआ यहाँ पे आएंगे इससे अब हम ट्रांसलेट करवाएंगे ट्रांसलेटेड ये डॉक ट्रांसलेट कॉपी ऑफ माय फर्स्ट डॉक न्यू <coughs> डॉक्यूमेंट अलग डॉक्यूमेंट बना देगा अब मुझे चाहिए ये गुजराती में ट्रांसलेट दिस ओके सो ये पैराग्राफ को नहीं पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करता है अगर आपको गुजराती पढ़ना आता है तो आप देख सकते हो और मुझे बता सकते हो कि ये सही में ट्रांसलेशन किया है या बस ऐसे ही डायग्राम बना के दे दिया है ठीक है जी आ जाओ दूसरा ऑप्शन है अब आप अब हम यहाँ पे इससे टाइप करवाएंगे ठीक है लेट्स ए वॉइस टाइपिंग और इसको एनेबल करने के लिए आल क्लिक ऑन क्लिक टू स्पीक परमिशन मांग रहा है मेरे से कि मेरे माइक को यूज करूं कि नहीं करूँ मैं बोलता हूँ ठीक है यार टेस्ट कर रहा हूँ माइक तो यूज कर ही ले राइट सो इन ऑर्डर टू टेस्ट एंड शो हाउ टाइपिंग वाई आर वॉइस वर्क

हो देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि पीरियड बोलने से न्यू लाइन आता है मैं यूज़ नहीं करता हूँ ये ऑप्शन बट आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ कैसे काम करता है ये राइट सो क्लिक ऑन इट अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो ये हिंदी में टाइप कर रहा है और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये ंग्लिश लैंग्वेज दिखा रहा है विच मीन्स मैं इंग्लिश में बोलूँ या हिंदी में बोलूँ ये इंग्लिश एल्फाबैट्स में हिंदी टाइप कर रहा है एक और अमेजिंग फीचर है गूगल डॉक्स का इसमें आप अगर देखोगे ऊपर वाले रिबन पहना तो नेक्स्ट टू कामेंट हिस्ट्री यूड सी एन एरोमार्क ये एरोमार्क जो है लाइक गोइंग अप ये बहुत अमेजिंग ऑप्शन है तो मान लो जैसे आपने अपनी टीम के लिए कोई इंस्ट्रक्शनल डॉक्यूमेंट बनाया और अपनी टीम को शेयर कर दिया कि बच्चे लोग देखो ये डॉक्यूमेंट पढ़ो जा कर के या अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाया और आपने स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट दे दिया बोला जाओ पढ़ो जा कर के अब आपको ये जानना है कि कितने लोगों ने देखा है वो डॉक्यूमेंट हाउ यू हैव रियली ओपन दैट डॉक्यूमेंट राइट और कब ओपन किया है तो so, वो सब भी आप देख सकते हो इनफैक्ट अभी कौन इस डॉक्यूमेंट के ऊपर है वो भी आपको गूगल डॉक्स पे दिख जाता है सो so, यहाँ पे ना ये एरो के ठीक बगल में ना उसका आइकॉन जैसे ये मेरा आइकॉन है यहाँ पे मेरे येलो कलर के फ़ोटो के साथ मेरा आइकॉन है सिमिलरली लोगों के फोटोज आ जाएंगे यहाँ पे, उनके आइकॉन्स आ जाते हैं यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच जितने भी होंगे सबके आइकॉन्स दिखेंगे यहाँ पे अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं बट आते हैं आप टेस्ट कर सकते हो अपने साथ शेयर कर लो अपने दोस्त के साथ शेयर कर लो दोनों जना एक साथ फाइल ओपन करो आपको दोनों का आईडी डी यहाँ पर दिखेगा तो यू नो कि दो जने एक साथ काम कर रहे हैं उसके ऊपर एंड ये जो बटन है ना एरो मार्क लेट्स क्लिक ऑन दिस एंड सी वॉट हैपन्स जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें आपको व्यूअर दिखेंगे कौन कौन व्यू किया है इसमें तो so, किसी ने नहीं किया सिर्फ मैं आई आई एम ओनली व्यूअर व्यू ट्रेंड्स मैंने व्यू किया फोर्थ मार्च आज मैंने खोला ये कमेंट ट्रेंड्स किसी ने कमेंट किया है तो अगर किसी ने शेयर किया तो तो so वो सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो यहाँ पर गुड वाइब्स ओनली माय फ्रेंड्स इट्स टाइम टू रैप अप द वीडियो टुडे आई हैव नॉट टचड अपॉन एवरी सिंगल ऑप्शन or button within Google Doc, but I think there were a couple of those unique capabilities that uh, Google Doc brings in, which makes it really, really, really amazing utility for team collaboration. And uh, with my say those are the ones which won me over to Google Drive or Google Docs. So I really love it working on गूगल डॉक आई थिंक तीन साल में मैंने पता नहीं कितने सारे डॉक्यूमेंट बनाए होंगे गूगल डॉक्स के ऊपर एंड uh, जो मैंने आपको दिखाया इससे ज़्यादा और साइंटिफिक uh, ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे तो और भी ऑप्शंस होंगे जो मुझे नहीं पता है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना या कोई वीडियो टैग कर देना मैं देख लूँगा सीख लूँगा और फिर प्रॉब्ली आगे, आगे आपके लिए और वीडियो बनाऊँगा बट फॉर नाव थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड आई रियली लव अगर आप इस वीडियो को शेयर करो सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के बीच में बताओ ताकि मेरी वीडियोज़ लोगों तक पहुँच सकें और जो मेरा एजेंडा है टू हेल्प पीपल वो पूरा हो सके थैंक यू सो मच एंड है ग्रेट रेस्ट ऑफ योर वीक